तो आज मैं आपके लिए लेकर आया बहुत ही कमाल की वीडियो। आज मैं आपको बताने वाला हूँ छोटी मशीन का जो चापा होता है अक्सर देखते हैं, ये जो हम लोग उठाते हैं और कभी कभी जब नीचे गिराते हैं तो ये हवा में उठ जाता है, रुक जाता है एकदम। देखिए देखिए, इसके नीचे से पिस्टन निकला आ रहा है। ऐसे क्या होता है, कपड़ा भी नहीं फेंकती है और चापा नीचे भी नहीं बैठता है। ऐसा क्यों हो जाता है आपको मैं आज यही बताने वाला हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, सामने की फेस प्लेट खोल लेना है। फेस प्लेट खोल लिया, ये देखिए ये जो है अभी नीचे नहीं बैठ रहे हैं। तो इसको आपको कहाँ तक बैठाना है और कैसे सेट करना है आज आपको मैं वही बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो आपको ये वाला पेच खोलना पड़ेगा और उसकी पहचान कैसे होती है, कहाँ तक आपको इसको रोकना है। देखिए अब आप जब नीचे करेंगे ये सुई वाली राट, तो ये लड़ रही है इस पर। अब इसको जो है पेचकस की सहायता से नहीं हो रहा हो तो इसको फिर जो है और थोड़ा सा खोल लें। देखिए पेचकस अगर ठोकर रेडी नहीं कर पा रहे तो हाथ से भी कर सकते हैं आप। थोड़ी ताकत आएंगे, ये देखिए अब ये जो है इसमें हल्का सा देखिए चिपक रहा है ना। अब इसको जो है हल्का सा थोड़ा सा जो है और हल्का सा ठोक दें, बस ये अभी देखिए लड़ नहीं रहा है और इतना लेवल में आ गया। लेकिन आपको जो है पूरी मशीन के रॉड में जो है पूरा तेल डालना पड़ेगा, लेकिन ये बार बार जो ऊपर चढ़ जाती है जाम हो जाती है, इसके अंदर जंग लगने लगता है। इसके बाद जो है आपको पेच वापस से टाइट कर देना है चापा को। लेकिन जो आप ठीक करेंगे तो चापा नीचे, ये चीज़ जो है नीचे नहीं करनी है आपको, जब आप पढ़ते ऊपर जाएगी। अब देखिए इसको नीचे बैठाएंगे तो एकदम नीचे बैठ जाएगा, ये देखिए नीचे बैठ गया। अब ये कपड़ा फेंकेंगे मशीन और पता लगे आप सही कर रहे हो, आपने यूँ ही गिरा दिया तो कुछ नहीं होगा। नीचे देखिए इतनी ढीली रहती है यूँ, इसमें इसको पहले से ऊपर कर देते हैं। तो बस आज की वीडियो में यही था कि चापा अगर थोड़ा सा ऊंचा होकर रुक जाए तो उसको कैसे ठीक करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।